SBN University, the best university in Sagar Sambhag. Address SBN University, NH26, Narsingpur Road, Sironja, Sagar, Madhya Pradesh. आप अगर देखेंगे तो अगर आप गिनती करें तो यहाँ पे अगर 600 का स्टाफ है तो 600 में आपको 50 सागर के आदमी नहीं मिलेंगे। तो चुन चुन के ऐसा क्यों होता है कि जो सागर के लोकल लोग हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है? उनमें ऐसे कौन से कांटे लगे हुए हैं या उनकी ऐसी कौन सी खामी है? सागर की BMC स्थित माइक्रोबायोलॉजी विभाग में पदस्थ असिस्टेंट प्रोफेसर ने कॉलेज में होने वाली सभी तरह की पदोन्नतियों से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने डीन को दिए पत्र में इसकी वजह भी बताई और बोले कि हर बार नियम बदलकर निजी स्वार्थ पूरे किए जा रहे हैं। ये डॉक्टर असिस्टेंट प्रोफेसर सुमित रावत हैं, जो 13 साल से माइक्रोबायोलॉजी लैब में पदस्थ हैं। उन्हें 2018 में सह प्राध्यापक नियुक्त किया गया था। बताया गया कि 2014 से अब तक दर्जनों बार कॉलेज स्तर पर प्रस्ताव मंगाए, स्वीकृत भी किए, लेकिन पदोन्नति आदेश जारी नहीं किए। हर बार नई प्रक्रिया शुरू की जाती है। इसको लेकर डॉक्टर सुमित रावत ने बताया कि इसके नियम बने हुए हैं, अगर 8 साल प्रमोशन नहीं हुआ तो इसके बाद वो ऑटोमेटिक हो जाता है। उन्होंने इसमें भेदभाव के आरोप लगाए। साथ ही बोले कि 8 साल प्राइवेट में काम करने वाले को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि सरकारी में 20 साल वाले को दरकिनार कर दिया जाता है। वहीं इसके अलावा डॉक्टर सुमित रावत बोले कि BMC में बाहर के लोगों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, सागर के लोगों को नहीं। उन्होंने कहा कि सागर के लोगों को जानबूझकर बाहर कर दिया जाता है। सागर में एक तो ये परिस्थिति मुझे देखने को मिली है खासतौर से कि कुछ जो हैं बाहरी लोग जो हैं दूसरे स्टेट के लोग हैं, और इसके अलावा कई लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ पे कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते हैं, जिनके पास दूसरे स्टेट की कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, वो जेन्युइन है क्या है मुझे नहीं पता, परंतु उधर के सर्टिफिकेट लेके भी लोग यहाँ आ गए और उनको यहाँ सर्टिफिकेट का लाभ दे के और नौकरी दे दी गई है। इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो अगर आप गिनती करें तो यहाँ पे अगर 600 का स्टाफ है तो 600 में आपको 50 सागर के आदमी नहीं मिलेंगे। तो चुन चुन के ऐसा क्यों होता है कि जो सागर के लोकल लोग हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है? उनमें ऐसे कौन से कांटे लगे हुए हैं या उनकी ऐसी कौन सी खामी है? और वो लोग अगर पूछते भी हैं तो उन्हें बताया नहीं जाता है। पता चलता है कि उनके जो 12वीं के परसेंटेज हैं या उनके MBBS के परसेंटेज हैं वो अच्छे हैं, लेकिन इंटरव्यू में उनको 0 मार्क्स दे दिए जाते हैं। कई RTI में ये साबित हुआ है कि कई लोग जिन्होंने अच्छा इंटरव्यू दिया है उनको इंटरव्यू में अंदर जाके 0 नंबर दे दिए, और जो छतरपुर से आया या जो सो कॉल्ड जितने इंटरव्यू लेने वाले हैं उनके गांव के जो लोग हैं उनको पता चला कि 20 में से 20 नंबर मिल गए। ऐसा कहीं होता है कि किसी को 0 दे दिए और किसी को 20 दे दिए? तो जिसको मर्जी है उसको 20 दे दें, कोई वीडियोग्राफी नहीं होती इंटरव्यू की। अगर आप वीडियोग्राफी कराना चाहें कि भाई उसने अगर 5 सवाल पूछे थे तो 5 में से 5 के जवाब दिए थे, वो एक के भी नहीं दे पाया, 20 नंबर किस बात पे दिए गए, इसकी भी कोई वो नहीं है। तो कुल मिला के जो पारदर्शिता है वो एब्सेंट है। और अगर आप ये देखेंगे तो चुन चुन के जो है ना कुछ लोगों को जानबूझ के दरकिनार किया जा रहा है, खास तौर से जो लोकल लोग हैं उनको जो है दरकिनार किया जा रहा है। एक्चुअली क्या है कि मैं इस कॉलेज में लगभग पिछले 13 साल से कार्य कर रहा हूँ और मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन से पिछले 10 वर्षों से जुड़े हुए हैं, और पूरे प्रदेश के जितने मेडिकल टीचर्स हैं उनकी जितनी जो भलाई है या उनका शोषण ना होने पाए हम उसके लिए भी कार्य करते हैं, साथ ही हम जनता के हित के लिए भी कार्य करते हैं। तो पूरे प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो क्या है, नियम बने हुए हैं सारी चीज़ों के कि कितने समय में प्रमोशन होना चाहिए और कितने पोस्ट होने चाहिए। जैसे 8 साल अगर आपका प्रमोशन नहीं हुआ है तो 8 साल बाद वो ऑटोमेटिक हो जाता है, उसके नियम बने हुए हैं। दूसरा क्या होता है कि टाइम स्केल प्रमोशन जो होता है, जो टाइम स्केल पे होती है वो भी टाइम टू टाइम मिलती रहती है, परंतु क्या किया जाता है कि अधिकारियों द्वारा या जो एक बार कुर्सी पे जो व्यक्ति बैठ गया तो, और कई जो बाबू वगैरह रहते हैं तो इनका काम जो नीति है जो हमारी, वो नीति जो है ना उसको लागू करने में कहीं ना कहीं फेल हो रही है। और व्यक्तिगत जो है भेदभावपूर्ण जो है या फेवरेटिज्म जिसको बोलेंगे कि भाई जिससे खुश हो गए उसको दे दिया, जिससे नाखुश है उसको नहीं दिया, और इसमें कोई परफॉर्मेंस आधारित नहीं है। इसमें कई बार क्या होता है कि जिन्होंने कोई कार्य नहीं किए होंगे उनको पहले अवसर दे दिया जाता है, या जो बाहर से आए इवन प्राइवेट कॉलेज से आने वाले लोग हैं उनके अनुभव को मान लिया जाता है, और हमारे स्वयं के लोग जो मेडिकल टीचर्स जो पिछले 14 साल से और 15 साल से, ऐसे लोग भी हैं जो 20 साल से काम कर रहे हैं और क्या होता है उनके अनुभव को नहीं मानते हैं, जो 20 साल से सरकारी में काम कर रहा है और जो प्राइवेट में काम करके आ रहा है 8 साल उसके अनुभव को लेके और उसको सीधा जो है प्रोफेसर बना देते हैं, जिसको टीचर ने पढ़ाया हुआ है। मतलब हम जब 10 साल पहले पढ़ाना शुरू किए थे
जो जिसको हमने पढ़ाया है और जो प्राइवेट में कहीं नौकरी करके आया कि नहीं आया ये भी नहीं पता, एक पेज लेके आ गया कि वो पेज ये कहता है कि इसने 8 साल काम किया है हमारे यहाँ, और वो आके और हमारा बॉस बन के बैठ जाएगा। तो ये नियम ऐसे हैं कि ये भी नहीं देखते उसने जहां से सर्टिफिकेट लिया है वो वहां से पेमेंट भी ली है 8 साल के नहीं ली है, उसने कोई सैलरी भी उठाई है कि नहीं उठाई है, कि केवल वो एक पेज पे लिखवा के आ गया कि मैंने 8 साल काम किया है और सरकार ने ये मान लिया कि 8 साल किया है, और 20 साल वालों को जो है दरकिनार कर देते हैं। दूसरी प्रमोशन में दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो एक डायनेमिक करियर अश्योर्ड स्कीम होती है वो लागू नहीं है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में लागू है, कि आपका जो है पद कितने भी रहे लेकिन किसी व्यक्ति को जब आपने चयन किया है, किसी भी जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर एंट्री पॉइंट पे अपन ने अगर 4 लोग लिए हैं तो उसके अगर 10 साल पूरे हो गए हैं तो उसका ऑटोमेटिकली जो है पद चेंज होना चाहिए, इस पद पे रिटायर हो जाएगा। और जो दूसरा व्यक्ति आपने प्राइवेट से उठाया है उसको आप सीधे प्रोफेसर से डीन बना दोगे, तो ये तो साफ बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है इसमें, और इसको जल्दी रेक्टिफाई करना जरूरी है। इसमें हमारी मंत्री माननीय मंत्री जी से भी बात हुई है, चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी से, और हमारे जो PMPA है उसकी तरफ से भी ये मैटर जो है जो कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन है उनके साथ रखा गया है और उनके साथ हमारी मुलाकात होने वाली है। तो मेरी जो लड़ाई है वो सिर्फ अपने अकेले के लिए नहीं है, ये इसके लिए है कि आने वाली पीढ़ी जो है उसके साथ भी गलत ना हो, मरीजों के साथ भी गलत ना हो, और जो लोग मध्य प्रदेश से नौकरी छोड़ के दूसरे स्टेट्स में जा रहे हैं तो लोग नौकरी छोड़ने पर मजबूर ना हो। अब मेरा तो ये घर है, मैंने नहीं छोड़ी, नहीं तो मैंने तो 8 साल पहले नौकरी छोड़ दी थी। स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर। कैंपस स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय NH 26 नरसिंहपुर रोड सिरोंजा सागर। हमारा नंबर है 07582281000।